सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। महानगर मुंबई में दक्षिण पश्चिमी मानसून ने गति पकड़ ली है। बीते 24 घंटे से हो रही भारी बारिश के कारण महानगर में जनजीवन प्रभावित हुआ है। बारिश जनित हादसों में महानगर और ठाणे में सोमवार तक कुल 5 लोगों की मौत होने की खबर है। वडाला में जमीन धंसने और पेड़ गिरने से 2 लोगों की जान चली गई, जबकि पश्चिमी उपनगर मलाड में एक युवक की नाले में गिरने से मौत हो गई। नवी मुंबई के तलोजा में नदी की धारा में 3 लोग बह गए, जिसमें से एक का शव बरामद कर लिया गया है। एमजी रोड इलाके में रविवार को पेड़ गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 घायल हो गए। वडाला के एंटॉप हिल इलाके में एक परिसर का बड़ा हिस्सा धस गया, जिससे एक महिला जख्मी हो गई और करीब 15 कारें क्षतिग्रस्त हो गईं। लगातार बारिश से मुंबई में विमान सेवाएं प्रभावित हुई। मेन रनवे से फ्लाइट ऑपरेशनों को रोकना पड़ा, जिससे करीब आधा घंटे तक विमानों की आवाजाही प्रभावित हुई। दूसरी ओर रायगढ़ के करनाल में एक पुल के नीचे की जमीन बह जाने से मुंबई गोवा महामार्ग ठप हो गया। ठाणे के वाडोल गांव में दीवार गिरने से 13 साल के बच्चे की मौत हो गई, जबकि उसके माता पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। जल भराव से मुंबई अहमदाबाद और मुंबई नासिक की तरफ जाने वाली मेल और एक्सप्रेस गाड़ियों के आवागमन पर असर पड़ा है। कुर्ला और साइन स्टेशन के बीच रेल पटरियां पानी में डूब गयी, जिससे मध्य रेलवे की लोकल सेवा लड़खड़ा गयी। पश्चिम रेलवे की उपनगरीय सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं।